महिलाओं ने रखा व्रत, पूजा कर बेटों के लिए मांगी दीर्घायु। सतना के आदर्शमी हलष्ठी व्रत पर माताओं ने मंगलवार को व्रत रखकर हलष्ठी माता की पूजा अर्चना की और बेटों की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने हलष्ठी व्रत की कथा सुनी। पूजा अर्चना का कार्यक्रम महिलाओं ने अपने घरों में रखा, फिर आसपास के घरों में पहुंचकर सामूहिक रूप से किया। कार्यक्रम में बलदाऊ जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ, शाम 6 बजे तक चलता रहा, जहां का पूजन के लिए उपयोग होने वाले बाली, कांस, पलास, बेर आदि की हलष्ठी बनाकर स्थापित की गई। उसके बाद वंशवृद्धि की कामना की। रहवासी गुड़िया गुप्ता ने बताया कि पूजा करने से पहले उस जगह पर गोबर से लीप कर उन्होंने सगरी बनाकर झरबेरी, गुलर, पलास की शाखाएं बांधकर जमीन में लगा दी। उसमें जल भरकर वरुण देव को बताया कि मिट्टी से बनी शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर कागज दीवार पर हलष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से चित्र बनाया और पूजन पाठ किया। इसके बाद कथा सुनकर पूजन सम्पन्न की। गुलाब नगर रहवासी गुड़िया गुप्ता ने बताया, इस व्रत में सुबह से महुआ की बनाई हुई चीजें खाई जाती है। पूजन के बाद इस व्रत को रात में नहीं बल्कि मुहूर्त खत्म होते वक्त तोड़ा जाता है। महुआ, दूध, घी, फसई का चावल आदि खाकर व्रत तोड़ा जाता है।